सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। फिलिपियों का पत्र उसके अध्याय 2:5 में लिखा है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बनाएं। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। हमें ईसा मसीह का मनोभाव अपनाने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 11:29 में प्रभु ने कहा, तुम लोग मुझसे सीख ले, मैं स्वभाव से कितना नम्र हूं। प्रभु का मनोभाव अपने को विनम्र करने वाला। यदि हम लोग फिलिपियों का ही पत्र का 6 हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, ईसा मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें, क्योंकि वो ईश्वर है। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया। ईश्वर था, ईश्वर की बराबरी कर रह सकता था, लेकिन उन्होंने अपने को दास का रूप धारण किया, मनुष्यों के बराबर बनाया। केवल इतना ही नहीं, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर के वह अपने को और भी दीनहीन बनाया। क्रूस मृत्यु तक, क्रूस उठाने के लिए, अन्य लोगों का पाप अपने ऊपर उठाने के लिए, क्षमा करने के लिए, सहन करने के लिए, इस प्रकार प्रेम पत्र लोगों को देने के लिए वो तैयार हुआ। ईश्वर के पिता के इच्छा के अनुसार वो चलता गया। इसके लिए जितना भी बाधाएं आए, दुख कष्ट उठाना पड़ा, उन्होंने सहन किया। इसका कारण है, अपने को शून्य बनाया, दूसरों के पाप पर नहीं, दूसरों की अच्छाइयों पर देखने वाला। यदि हम लोग योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 8 को पढ़ेंगे, वहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा बोल करके ईसा मसीह के पास लोग लेके आए। बोला, मूसा के नियम के अनुसार इसे पत्थर मार के मार डालना है, तुम क्या कहते हो? वे लोग सोचा था मसीह कहेंगे इन्हें मैं नहीं मारना, मूसा के नियम का पालन मत करो, तब उस व्यभिचारिणी के साथ ईसा मसीह को भी मार डालने का विचार था। लेकिन उनको लेकर के जब आग्रह किया, बताओ, ईसा मसीह उस समय पर अपना सिर नीचे दिखा कर, नीचे कर जमीन पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखा करके लिखा। बाइबल पंडितों का एक मत है, ये जो ग्रीक भाषा में वहां पर जो लिखा, ये लिखा है, वहां पर उस स्त्री का एक रूप ड्राइंग किया, रूप बनाया उस जमीन पर। उसमें विचारणी स्त्री जिसको पकड़ कर लाया, उसके एक सुंदर रूप वहां पर बनाया। प्रभु ने उस स्त्री में जो गुण है, अच्छाइयां, सुंदरता है, उसको वहां पर बनाकर रखा। इसके बाद उन्होंने से कहा, तुम लोगों में जो निष्पाप है, जो गलती नहीं किया है, वो पहला पत्थर इसके ऊपर मारे। पुनः वह वही करता रहा। उनके अंदर की सुंदरता, उनके अंदर की अच्छाइयां, ये देखने की कृपा प्रभु में था।
आप अपना मनोभाव को मसीह के मनोभाव जैसे बनाएंगे, आप दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करेंगे। बुरे लोगों में भी जो गुण है, अच्छाइयां हैं, उसको जो देखेंगे हमारे घर स्वर्ग बन जाएगा। अपने जीवन साथी में जो अच्छाइयां हैं उसको यदि देखना शुरू करेंगे, उसके विषय में चर्चा करना शुरू करेंगे, हमारा घर स्वर्ग बनेगा। हमारे माता पिता, सास ससुर, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, इस प्रकार अन्य लोगों के अंदर छिपा हुआ जो गुण है, अच्छाइयां, सुंदरता, उसको देखना शुरू करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अन्य लोगों का बुराइयां, निंदा, उनमें जो कमियां हैं, इसका चर्चा करता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 4 के अंदर एक समारी स्त्री, मसीह ने उस व्यक्ति में भी कुछ अच्छाई देखा। आखिरी में हम लोग देखते हैं बाइबल में एक स्त्री सबसे पहले सुसमाचार की घोषणा करने वाला, मसीह को लोगों के सामने दिखाने वाली वो बनी, महिला बनी। लोग उसे व्यभिचारिणी कहते थे, ईसा मसीह उसमें एक सुसमाचार प्रचारिका को देखा। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में एक नाकेदार सके उसके विषय में पढ़ते हैं। लोग उसे पापी कहते हैं, उनके साथ बात नहीं करते, उनके घर में नहीं जाते, लेकिन मसीह उसके घर में गई, उनके साथ रही। क्यों? क्योंकि मसीह ने उस व्यक्ति में एक धानी व्यक्ति को देखा, गरीबों को दान देने वाला, अपने संपत्ति का आधा भाग गरीबों में बांटने वाला, अपने पापों के प्रति चौगुना प्रायश्चित करने वाला। इस प्रकार मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयों को देखा। हमें भी यही सीखना है। ईसा मसीह के मनोभाव जिस दिन हमारे जीवन में आएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। दूसरों का जीवन बदलने के लिए नहीं, हमारे ये जो देखने का ढंग, सोचने के ढंग, हमारे जीवन को बदल देगा। कई रोग, कष्ट, पीड़ाओं हमारे जीवन से हट जाएगा। कई बीमारियों का कारण हम लोग हमेशा बुराइयों को देखता है, इस कारण जिस दिन हम अच्छाइयों को देखना, अन्य लोगों में छिपा हुआ अच्छाइयों को देखना, उसको दूसरों के सामने प्रकट करेंगे, उस समय पर हम अपने जीवन को संभालेगा। कई बीमारियां, चाहे शुगर हो, दर्द हो, अन्य परेशानियां, हार्ट का बीमारी, कई बीमारियों का कारण हम लोगों का विचार गलत है, देखने का ढंग गलत है, सोचने का ढंग गलत है, दूसरों के साथ का व्यवहार गलत है। जब हम अपने को इस प्रकार परिवर्तित करेगा, मसीह के समान एक मनोभाव रखेगा, अन्य लोगों के साथ बर्ताव करने लगेगा, हमारे जीवन बदलेगा। निर्णय कीजिए, आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, आपके समान एक मनोभाव हमें भी दीजिए प्रभु, आपके समान दूसरों को प्यार करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों में अच्छाई देखने के लिए, दूसरों की अच्छाई अन्य लोगों को बताने के लिए हमें भी कृपा दीजिए। आप जैसे एक मनोभाव दीजिए, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसे बना दे, मुझे तेरे जैसे बना दे, मुझे तेरे जैसे बना दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।